एबीएन फाजिल का देख रहे समूह दर्शकों को आज हम लेके आए हैं श्री गुरु नानक देव के नाम पर गुरु नानक के मोदी खाना। यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो तेरे बंके लोयन दंतर साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं बाबा आपका शुभ नाम जी। भाव जी आपका नाम जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपको श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर श्री गुरु नानक देव जी का मोदी खाना खोलने की प्रेरणा कहाँ से और कब मिली? मैंने हिंदू साहब को जाना, उसके बाद सोनू सर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमें सारा बात बताई, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल खोलना चाहिए, खोलो आप सेवा के लिए, हम तैयार हैं। आपको लुधियाना से ये प्रेरणा मिली, अब आपको यहाँ श्री गुरु नानक देव जी के नाम पे मोदी खाना चलाते हुए आज 4-5 दिन हो गए हैं। इन 4-5 दिनों में जो आपने सेवा करी या जो आपने काम करा और इससे पहले जो आपने काम करा श्री गुरु नानक मोदी खाना जी से पहले, तब और अब आपको काम में क्या फर्क दिखा और क्या मन को या दिल को या दिमाग को क्या तसल्ली मिली? मेरे को बड़ी यहाँ सेवा करके खुशी मिली, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल रेट पे दवाइयाँ दी जाती है। पहले मैं बैंक में अप्लाई था, वहाँ कुछ और सी वो सर्विस थी, वो गवर्नमेंट की सेवा थी, यहाँ भगवान की गुरु नानक देव जी की सेवा है और पब्लिक की सेवा है। आपने कहा भी आप गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में थे, अब ये प्योरली बिजनेस हो गया मेडिकल स्टोर जो कि जॉब से बिल्कुल एक तरफ हटके हो गया, तब और अब मैं आपको क्या फर्क दिखता है जी? वो ऐसा था सर, मैं वो बच्चे पालने के लिए रोटी कमाता था, अब मेरे को ये फर्क लगा कि मैं बाबा गुरु नानक देव जी की सेवा में लग गया हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म से लेकर ज्योति जो समाने तक हमेशा ही सरबत के भले के लिए काम करे, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख लोग, हरेक जाति के लोगों का वो बाबा जी के नाम से मशहूर थे। आपने बोला भी हमने उनके नाम की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी 13-13 करके लोगों में बिता दी, और आपका क्या मंतव्य है जी? गुरु नानक देव जी ने कहा जी, कीरत करो वंड छको, इसलिए हम भी कहते हैं मेहनत करो, सबका भला करो, जनरल रेट पे दवाई दे के बड़ी खुशी होती है। पहले मेडिकल वाले बहुत ज्यादा मार्जिन लेते थे, अब बिल्कुल भी मार्जिन कम से हम सेवा कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी के लक्ष्य कदमों पर चल रहे हैं। आपने कहा भी जो पहले मेडिकल वाले ज्यादा मुनाफा लेते थे, अब हम बिल्कुल कम मुनाफे पे काम कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आप जो दवाइयां लोगों की सेवा के रूप में गुरु नानक देव जी के मोदी खाने के नाम पे फसल का में आपने काम कराया है, इसमें आप कितने परसेंट पे लोगों को दवाइयां दे रहे हैं या सेवा कर रहे हैं? ऐसा है सर, अब लगे रेट से बिल्कुल जीएसटी लगता है 1-2% ही, पूरे रेट टू रेट ही दे रहे हैं। बस हम जिंदरपाल जी आपसे जानना चाहते हैं भी आपको ये गुरु नानक मोदी खाना खोलने की प्रेरणा कब आई और क्यों आई? तेरे रूप कोई रूप नहीं, 2009
तेरे रूप फार्मेसी शॉप खोलनी चाहिए है जिथे लोगों को राहत मिलेगी। असि 25 अप्रैल 2020 सिंह सभा के प्रधान साहब ने एक चिट्ठी भेजी जिंदे विच असि उन्होंने बेनती की सानू आप की करे उत्थे असि फार्मेसी शॉप खोलना चाहते हैं, मगर उन्होंने शायद नारा पर होने करके उन्होंने सोच हो रही करके असि बाऊ जी को बेनती की। बाऊ जी ने साडी गल मन्नी और अज असि सफल होए हां। अज असीसा मिल रही ने गुरु नानक नाम लेवा संगत तो साध संगत जी अज हालात ये ने लोग असीसा दिंदे ने साडे कोल संभालिया नहीं जा रही लोग साडे नाल खड़े ने जो साडे नाल ने साडे वीर अमरीक सिंह जी साडे गल गुरु नानक देव फलसफे गल किसी साड़ी लड़ाई नहीं असि नहीं कहते कोई चोर है कोई साध है साड़ी मंशा सिर्फ सेवा की है ते सेवा की रहूगी साडा किसी ना वैर नहीं किसी ना विरोध नहीं गुरु नानक के पक्के मत्थे टेकना चाहते हैं। आप जी सहाय होवो आप जी साडा साथ दिओ देखो ये काम संगत के सहयोग तो बिना पूरा नहीं हो सकता। सानू तुहाडी जरूरत है तनो मनो तनो हरेक तरह जरूरत है। देखो दुनिया के लोग तुहानू तुहाडा मनोबल डेगन लई बहुत कुछ करनगे बहुत ही करनगे मगर गुरु नानक पातशाह अपने नाल ने आपा अपना मनोबल नहीं देना इन्ना कहंदा होया मैं आप जी तो खीमा दा चर्च खां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इथे मैं तुहाडी गल करदा हां रड़ तो एक सवाल पुछना चाहना जिस तरह तुसी दस्या भी श्री गुरु नानक देव जी दे फलसफे ते चलदे होए तुसी लोक सेवा कर रहे हो सुखमणी सेवा सोसायटी दे नाल जुड़ के लोकां दी सेवा करन दा फुरना तुहाडे मन च आया जेड़ा तुसी दवाईयां दा काम कर रहे हो ए दवाईयां दे काम दे विच 10% तो लैके 50% तक दी कमाई या 60% दी कमाई जो किया जांदा भी मेडिकल स्टोर वाले नूं हुंदी सी उत्थे जो तुसी बिलकुल जीरो ते बिलकुल खात्मे ते बिना कमाई करदे होए तुसी लोकां दी सेवा कर रहे हो की तुहानूं लगदा है कि तुहानूं फाजिलका कैमिस्ट एसोसीएशन या जियालाबाद कैमिस्ट एसोसीएशन या होर कैमिस्ट एसोसीएशन या पंजाब कैमिस्ट एसोसीएशन ए काम करन देवेगी जी? अज तक सानूं किसे बंदे ने नहीं रोकिया सानू तो होलसेल कैमिस्ट एसोसीएशन का साथ मिले है जी सानू सज्जन मिले है साडा किसी ने कोई विरोध नहीं किया तो सानू लगता है भी फाजिलका दे विच साडा कोई विरोध नहीं करेगा क्योंकि असीं लोक हित काम कर रहे हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ वो जो रेट साडा है साडे वीर कह रहे 10% ते असीं कमाई ते करते हैं असीं सवेरे बंद करते हैं असीं उन्हां दे नाल खड़े होवांगे असीं किसी की रोटी नूं लत नहीं मारनी ना ही असीं किसी को दुश्मन आ बट साडी मंशा यह है भाई किसी का हक ना खोया जाए असीं लोगों के नाल खड़े हाँ लोग साडे नाल खड़े ने साडी किसी ने विरोधता नहीं की और आस है भी कोई बंदा साडी विरोधता नहीं करेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਮਣੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
सरदार तजेंद्रपाल सिंह और सोनू खालसा जी ने दसिया भी तुसी इत्थों दे मुख सेवादार हो जी, तुहानू ये फुरना जे लोड़ कदों ते क्यों महसूस लगी भी तुसी फाजिलका विच इक इस तरह दा सेवा दी भावना नाल काम करदे हो, दवाइयां दा लंगर लाओ जिहनू गुरु नानक दा मोदी खाना कहा जावे। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਸਦ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਲੱਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਥ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਵਿਕਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਆਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਲਸੇਲ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਿਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ੀਟ ਚੋਂ ਐਫ ਓ ਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਫਰਿੱਜ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਫਰਿੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ 5 ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ,
टोटली साध संगत के सहयोग नाल काम चल रहा और अगे भी साध संगत के सहयोग नाल चलेगा। जेडे इत्थे फार्मासिस्ट काम कर रहे ने जो फार्मेसी फार्मासिस्ट दे नाम ते लाइसेंस है या दुकान पास हुई है उन्हां दा खर्चा या उन्हां दी सेवा मिलेगी जी, बट ओ सेवा तुहानूं दस्सिया वी साध संगत दे सहयोग नाल चल रही है। अज भी वीर 5500 रुपए मेरे वीर दो दे के गए ने, एक बेदी साहब ने पटवारी साहब वो 5000 दी रसीद डाक गए है, उन्हां नूं वेख के 500 रुपए दी रसीद इत्थे साडे कोल गाहक बैठे सीगे उन्हां ने कटाई है। अज साडे कोल सज्जन आए है पंजाब पुलिस तों जिन्होंने सानू कहा कि असीं महीने बाद सेवा लाना चाहते हैं जी, मार्केट कमेटी फाजिलका तो सज्जन आए हैं उन्होंने बेनती की गई, वह कहते महीने बाद असीं भी सेवा लावांगे। ये जी तुहाडे सहयोग नाल आप जी दे कारण आप जी दे लई ही ये फार्मेसी खोली गई है, आप जी दे सहयोग की जरूरत है। हाँ जी बाऊ जी, तू बाऊ जी तुसी की सुनेहा देना चाहोगे जी फाजिलका वासियां नूं? सुनिया जाएगा जी फाजिलका भाई गुरु कर दी है सेवा लगी है, बड़े नो लॉस से दवाई मिल रही है। मैं फाजिलका दी जनता भी यही है कि सेवा का मौका उठान गुरु घर जी आन ते आपका सेहत ठीक रखा जिवेगी धरती उत्ते गुरु का जवा चल रहा है। भाई गुरदास ने सपना च लिया से गुरु नानक देव जी के समय सतगुरु नानक प्रगटिया उस फलसफे ते चलते हुए अज पूरे पंजाब पंजाब तो इलावा पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैल गई, लोग घर च बंद हो गए। कोरोना की ऐसी बीमारी फैली जिसका लोग घर च रुक गए, लोगों ने कमाई का साधन बंद हो गया, पर जो दवाइया ने वो बंद नहीं हुई। पर कुछ केमिस्ट आपके फायदे लोगों ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 13-13 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ संगत वालों जिनी भी रसद जिनी भी रकम किसी पुजती है खुशी नाम कट्ठी की गई, एक दवाइया दुकान खोली गई जो कि दवाइया की दुकान हरेक चाहे कोई अमीर आदमी है चाहे कोई गरीब आदमी है चाहे कोई हिंदू धर्म का संबंध रखता है चाहे कोई बाणिया धर्म का संबंध रखता है चाहे कोई जाट सिख है चाहे कोई राज सिख है चाहे वो किसी भी धर्म का संबंध रखता है, जो एक इंसान है जो एक इंसान कहा जाता है जो एक इंसान है उन्होंने दवाइया बिना कमाई तो दिखाई जा रही ने। असं अज थी गल कराई सोसायटी के मैंबर सोसायटी के सेवादार दुकानदार जिन्होंने इतने यह भी दसिया इतने जो बिजली के बिल आ रहे हैं या जो खर्चे फार्मासिस्ट निकलणगे या निकलणगे वो दवाइया तो कमाई करके नहीं निकलणगे वो अपनी जेब तो निकलणगे। इस नूं एक सच्ची सेवा भी कहा जाता है, हो सकता है जिवें कि लुधियाने जिंदू जी वालों दस्या गया सी वी कुछ एक कैमिस्ट या कुछ एक होलसेलर आपने फायदे लैण तक प्रचार करदे हन, पर इहनां नाल जदों फाजिलका विच गल कीती तजिंदरपाल सिंह खालसा जी नाल मणि सेवा सोसायटी के सेवादारां नाल तां उहनां ने दस्या वी उहनां नूं फाजिलका कमिश्नर एसोसीएशन दा पूरा साथ मिलिया है अते पूरा ही साथ मिलदा रहा है। उन्होंने कहा भी रिटेल तो इलावा होलसेल उन्हां साथ दित्ता ते उह उम्मीद करते हैं कि वह अगे साथ देणगे। इत्थे उन्होंने एक सब तो वड्डी गल इह कही कि असीं इह मंग करदे हां जिन्हें भी कैमिस्ट ने जिन्हें भी दवाइया दुकाना ने जे वो एक आपके धर्म जिस भी धर्म को मनते हैं उस मुख रखते हुए प्रण कर लैन कि असि 10% उत्ते कमाई नहीं लवेंगे तो कोई गुरु नानक देव जी के नाम से जो मोदी खाना चलाया उस नूं उस लेवल ते ले आणगे। उन्हां दा मकसद लोगों की सेवा करना है, लोगों की रोटी खराब करना नहीं है। इस तरह असि तुहाडी अज गल कराई वो तुहाडे सामने है, असि उन्हां दे जरिए तुहाडे तक ये मंग करने चाहते हैं जिस किसी नूं कोई दवाइया की लोड़ है नेड़े तेड़े इलाके जो भी मेरा सज्जन मेरा यार मेरा नेड़े दा रिश्तेदार कोई भी साध संगत पूरे हिंदुस्तान या पूरे पंजाब में ये वीडियो देख रहा है तो वो वध तो वध इस चीज का फायदा उठाए। ਪਠੇਜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਸਾਡੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚ ਆਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਥ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਦ ਨਹੀਂ। ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਹਮ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।